सामने रास्ता देखो भाइयों, बहनों कैसे चढ़ रहा ऊपर को। ये बिनसर महादेव के लिए शायद जा रहा है रास्ता, जो कि ऊपर चढ़ाई में चढ़ के इस तरह से पूरी पहाड़ी को क्रॉस करते हुए ऊपर पहुंच जाएगा। अब कुछ जाना है तो ये बहुत अच्छा ट्रैकिंग है, बहुत ही अच्छा ट्रैक है ये, जिसको कि गवर्नमेंट प्रमोट भी कर सकती है और इसको थोड़ा सा और अच्छा बना के काफ़ी टूरिज्म का यहाँ पर बिजनेस हो सकता है। देखिए कितना प्यारा है, और यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे और ले लो। ये देखो सामने, ट्रक चल रहा है पर उसकी बस की नहीं हो रही। रोड बहुत ही ख़राब है, इसीलिए मैंने इधर खड़ी कर दी ताकि बेचारा चुपचाप निकल जाए। पीछे से तो गाड़ी खींच के ला रहा है। असलम मोतिया, अरे बांध लो पीछे से, पकड़ लो है? पकड़ लो पीछे उसको, गाड़ी खराब हुई तो। सामने ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर, यहीं से स्टार्ट होता है वो रास्ता। अगर आप बिनसर महादेव जाना चाहते हैं तो यहाँ से इस मंदिर के होते हुए वहीं से शॉर्ट रास्ता आपको उस पहाड़ी पे, और उस पहाड़ी से आप ऊपर बिंदेश्वर महादेव और बिनसर महादेव के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। इस पत्थर को देखो किस तरह ये खुद ही बन गया देखो, और उसके ऊपर एक प्यारा सा मंदिर बनाया है और वो इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और देखो साथ में व्यू दिया हुआ है नदी का, नदी नहीं ये गधेरा बह रहा है, गधेरा बहता हुआ फिर वही। ये है नई पुल और उसके साथ में लगी हुई है पुरानी पुल, जो कि अंग्रेज़ों ने शायद बनाई थी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वैसे तो कोई बनाता नहीं यहाँ पर, जब से अंग्रेज़ गए तब से कुछ हुआ ही नहीं। जो मैं आपको बोल रहा था ऊपर, ये वही नदी है जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा था, वही नदी यहाँ आके मिलेगी एट द एंड, जाते हुए ऑल द वे टू राम गंगा एट केदार, केदार में मिलेगी ये नदी। अभी ये भी नदी का रूप नहीं लिया इसने सही से, आगे देघाट जाके नदी का रूप लेगी। तो इस तरह से है ये, और इस तरह से यहाँ की रोड है जो कि ऑफ रोड ही है, प्रॉपर ऑफ रोड है, प्रॉपर ऑफ रोड इसको बोलते हैं। ज़्यादा इसमें चेक करके इसलिए मैं आपको वो वीडियोस प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा, तो इस तरह से है, इंजॉय कर सकते हैं इसको। ये है इन रोड की हालत,
आया ना मज़ा, मौजा ही मौजा है इस रोड पे। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, जय हो। इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेकंड पर आपको कोई ना कोई मंदिर मिलेगा ही मिलेगा।